हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सबका वेलकम करना चाहूंगी आज 26th डे की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आज बहुत सारे लोगों का हैवी डिमांड पे हम डाइवा लाइफ की ट्रेनिंग फिर से लेकर आए हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगी, हार्वेस्ट की टोटल मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगी। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग रोज लिंक मांगते हैं, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कंपनी जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगी फ्यूचर में, उसकी आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पहले जो हम ट्रेनिंग करते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते थे, तो बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े गैदरिंग पे करते थे। आज जब से ये लॉकडाउन हुआ है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, इसीलिए आज हम जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप तक आज भी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम लेकर आ रहे हैं। हमारी कंपनी जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, एमआई लाइफस्टाइल का एक एजुकेशन चैनल, एजुकेशन पार्टनर आप कह सकते हैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो मानता है कि जब हम सीखते हैं तो ही लाइफ में पैसा आता है। तो ये आपकी लर्निंग पे ध्यान देता है, ये आपको प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो बिजनेस आपको कैसे बढ़ाना है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जितने लोग भी हमसे जूम पे कनेक्ट, जो जितने लोग हमसे फेसबुक पे कनेक्टेड है फेसबुक के थ्रू, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन इस फेसबुक के पेज से मिल जाएगी। जैसा हम सबको बताएं, हमारी कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एलिमेंट्स वेलनेस के हमने लगभग 25, मिनिमम 25 प्रोडक्ट हमने एलिमेंट्स वेलनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे। ऑन एंड ऑन का आज जो हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो ऑन एंड ऑन का है। आहार, न्यू स्टार, एम आई होम, घर में जो भी चीजें हम यूज करते हैं सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आई है। और आपने एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स आपने अटेंड किए, जहाँ पे ऑर्गेनिक बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके आपने ट्रेनिंग अटेंड की। कहने का मतलब क्या है, वी हैव एन एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे डेली यूज और जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आज जो हम एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसका बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं डाइवा लाइफ। नाम ही बताता है, ये डायबिटीज के ऊपर एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है और ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। एक नॉर्मल इंसान से अगर आप पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटीज, देखिए मेरी जो ट्रेनिंग्स होती है मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे यहाँ जुड़ते हैं जिनको मेडिकल का एम भी नहीं पता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊंगी तो सबको समझ में आएगा। तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ। और मैं आपको एक चीज तो प्रॉमिस कर सकती हूँ, आज की जो ट्रेनिंग होगी आज तक की सबसे अच्छी ट्रेनिंग डाइवा लाइफ की होने वाली, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक आम इंसान से अगर आप पूछते हैं कि डायबिटीज से आप क्या समझते हैं, वो क्या बोलेंगे, हाई ब्लड शुगर। खून में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं हमें डायबिटीज हो गया। होता क्या है, आपने खाना खाया, खाना पचता है, पचा हुआ खाना जब शुगर आपके खून में जाता है, शुगर जो होता है आपके खून में जाता है, जैसे शुगर की मात्रा खून में बढ़ती है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियास, ये आपका इंसुलिन बनाता है आपके खून में छोड़ देता है। इंसुलिन क्या, एक तरीके की चाबी है आपके बॉडी में, हजारों कोशिकाएं हैं, सब पे ताला लगा है, इंसुलिन जाता है, ताले को खोलता है, तब आपके खून से शुगर निकलकर आपके शरीर में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज एक डिसऑर्डर है। कोई चीज अपने ऑर्डर से जब काम नहीं करती है तो नॉर्मली बहुत सारी तरीके की डायबिटीज देखी जाती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है जब आपका पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है और हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है, जिसको हम इंसुलिन के इंजेक्शंस बोलते हैं, जो ऐसे लोग भी लेते हैं जिनको बचपन में ही डायबिटीज हो जाता है, तो ये हम डायबिटीज टाइप 1 है जो आपको बहुत कम केसेस मिलेंगे। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब होता है जो उम्र के बाद होता है, जहां पे दवाइयों से काम चल जाता है। अगर आपको 10 मरीज मिलेंगे, 10 पेशेंट में 1-2 ही आपको टाइप 1 के होंगे, बाकी सारे टाइप 2 डायबिटीज इसके होंगे। एक और केस भी देखा जाता है जिसको हम जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डायबिटीज देखा जाता है। जैसा अगर आप इस फोटो में देख रहे होंगे, अभी इसमें कुछ दरवाजे हैं जो खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे नहीं खुल रहे, तो टाइप 1 में क्या होता है, दरवाजे खुलते ही नहीं है, सारा शुगर बाहर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप 2 में कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ शुगर अंदर जा रहा है और कुछ नहीं जा पा रहा है, मतलब टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बन पाता है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। कहते हैं जब आपको डायबिटीज होता है तो उसके कारण क्या देखे जाते हैं। सबसे पहला कारण है अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप अगर अपने वर्कआउट नहीं कर रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे या किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी अगर आप अपने दिनचर्या में नहीं डाल रहे, अपनी लाइफस्टाइल में नहीं डाल रहे हैं, तो वो भी आगे चल के डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। सुना होगा बहुत दिनों से स्ट्रेस में, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपके शुगर लेवल को शूट अप कर देती है, बढ़ा देती है, तो स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज के केसेस जो होते हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं। एक होता है एंशियंट इंडियन फिनोटाइप, मतलब
आज इंडिया में अगर आप बात करेंगे, आज बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो पतले दुबले हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। आप अमेरिका वगैरह में देखेंगे कोई मोटा है तो ओवरऑल मोटा है, इंडिया में पेट बहुत ज्यादा बाहर निकलने की वजह से एब्डोमिनल जो जो आपकी ओबेसिटी है जब वो ज्यादा बढ़ जाती है तो डायबिटीज के जो चांसेस हैं इस केस में ज्यादा देखे जाते हैं। अगर आपके पेरेंट में, मम्मी पापा में किसी एक को टाइप 1 डायबिटीज है तो आपके भी चांसेस हो सकते हैं डायबिटीज होने के, तो ये भी एक लक्षण है। या जब हमारी एज 40 प्लस हो जाती है तो डायबिटीज के चांसेस भी दिखने लगते हैं। और बहुत सारे केसेस में अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो भी डायबिटीज के चांसेस जो होते हैं, कॉज जो होता है, ये भी देखा जाता है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी देखा जाता है जो हमने हमेशा से सुना है, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। एक केस ये भी देखा जाता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसने कोई ऐसे बच्चे की डिलीवरी दी है जिसका वेट 4 kg से ज्यादा है तो उन लेडीज को फ्यूचर में आगे चलकर डायबिटीज होने के जो चांसेस हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और लास्ट में अगर आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखी जा रही है तो वो भी डायबिटीज का एक कारण हो सकता है। अगर आपका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये भी रीजन हो सकता है डायबिटीज का। तो मतलब आपने देखा डायबिटीज कोई एक चीज की वजह से नहीं होता, बहुत सारे सिम्टम जब मिलते हैं, बहुत सारे कारण जब मिलते हैं तो जाकर डायबिटीज होता है। तो अगर हमें डायबिटीज हो गया तो सिम्टम बॉडी क्या देगा, बॉडी आपको सिम्टम देना स्टार्ट करता है, बॉडी आपको अलर्ट करना स्टार्ट करता है। इन सिम्टम को ध्यान से समझिएगा, मार्केट में लोग आपको सिम्टम्स ही बताते हैं। पहला सिम्टम है आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे, क्यों, आप खाना खा रहे हैं, बॉडी में शुगर बन रहा है लेकिन आपके शरीर के हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक कोशिका तक वो खाना नहीं पहुंच पा रहा, इससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही और आप थकावट महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यूरिन आना भी एक लक्षण है, अगर आपको ज्यादा यूरिन आ रहा है तो समझ जाइए कि आपको डायबिटीज का भी एक सिम्टम देखा जाता है। सडन वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक डायबिटीज का बहुत बड़ा लक्षण है। अगर किसी का सडन वजन कम होना स्टार्ट हो रहा है, एक बार टेस्ट जरूर करवाइए। आपका जो जख्म होता है वो जल्दी हील नहीं होता है, मान लीजिए किसी को कोई चोट लग गया या कोई घाव हो गया, कोई वुंड हो गया, उसकी हीलिंग जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। कुछ शक्कर को लीजिए और इधर चिपका दीजिए, आप देखेंगे उस चीनी या शक्कर में कीड़े मकौड़े या चींटियां लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके खून में शुगर ज्यादा होता है तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आपका जख्म जो होता है जल्दी हील नहीं होता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है, अगर आपके डायबिटीज में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आगे चल के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखा जाता है। आपको बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, ये डायबिटीज का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ज्यादा भूख लगना, तो ये चीज याद रखिएगा, ज्यादा भूख लगने की वजह से भी ये चीज देखी जाती है। आंखों की जो रोशनी होती है वो कमजोर होने लगती है, क्यों, आंखों की जो रोशनी होती है, अब हमारे बॉडी में बहुत सारी नसें होती हैं, कुछ नसें इतनी कम होती हैं जिसकी वजह से, कुछ नसें जो होती है वो इतनी पतली होती हैं आपके बाल जितनी। अगर आपके खून बॉडी में हर जगह पे खून अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, या अगर आपके जो नसें हैं उनमें अगर ज्यादा शुगर जाने लगता है तो वो नसें जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, आपकी नसों में ज्यादा शुगर जा रहा है, तो वो नसें डैमेज होने लगती है और आगे चल के आंखों की रोशनी के जो चांसेस हैं वो कम होते दिखना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर की नसें नंब हो जाती है, आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि हाथ पैर की नसें इतनी नंब हो जाती हैं कि आगे चलकर बहुत सारे लोगों के हाथ पैर भी, मतलब जो लिम्ब एम्प्यूटेशन, पैर भी काटने की नौबत आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारी लेडीज में वेजाइनल इन्फेक्शंस भी देखे जाते हैं, वेजाइना का इन्फेक्शन देखा जाता है। इसीलिए अगर बात करें, बहुत सारी लेडी में आगे चलकर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, ऐसी टेंशन वाली प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो डायबिटीज जो होता है वो बहुत सारे सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देता है। कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं, सबसे पहला है हार्ट डिजीज, मतलब अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है या शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आगे चलकर हार्ट की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इसका ब्लड प्रेशर पे प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी होने लगता है, मतलब आपने शुरुआत की थी डायबिटीज की वजह से, आगे चलकर हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक्स का भी प्रॉब्लम देखा जाता है। स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल सा याद रखिए, कभी लोगों को आपने सुना होगा अचानक जो होता है वो पैराटिक स्ट्रोक आ जाता है, ऐसी कुछ होती है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो नसें हैं उनमें अगर शुगर ज्यादा हो जाने लगता है या दिमाग की जो नसें होती है वो डैमेज होने लगती है, वहां पे अच्छे से खून नहीं पहुंच पाता है, तो आगे चलकर स्ट्रोक्स की भी प्रॉब्लम देखी जाती है।
दूसरा नर्व डैमेज की अगर हम बात करें, नर्व डैमेज बहुत सारे लोगों का नसें जो होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, नसें जो होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को आगे चलकर बहुत सारे केसेस में नर्व जो होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी नसें होती हैं जो अपने बाल जितनी भी पतली होती हैं, जैसे आप कोई गर्म चीज को छूते तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्यों? आपको तुरंत वो एक्शन, जैसे आपने कोई गर्म चीज छुई आपके दिमाग को एक सिग्नल गया और आपने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, तो आपकी जो नसें होती हैं वो कितना ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो जब आपकी जब नसें में ज्यादा शुगर जाने लगता है तो वो नसें जब डैमेज होने लगती हैं तो आगे चलकर नर्व डैमेज की प्रॉब्लम, जिसको हम न्यूरोपैथी भी कहते हैं, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। किडनी और ब्लैडर फेलियर भी देखा जाता है, आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा होगा डायबिटीज की वजह से आगे चलकर उनमें किडनी फेलियर के भी चांसेस देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों में गम डिजीजेस, मतलब दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जाती है, क्यों? हमारी जो नसें होती हैं जब अगर वो डैमेज हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है जब खून में जब शुगर, आपकी नसों में जब शुगर का लेवल ज्यादा होने लगता है तो आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनकी जो नसें हैं वो भी जब डैमेज होने लगती हैं क्योंकि शुगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मुंह से रिलेटेड, गम से रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और जैसा मैंने बताया, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, पैर में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कॉन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जो एंकल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, एड़ियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। अगर आपके बहुत सारे लोगों में तो पैर भी काटने पड़ जाते हैं, ऐसी भी नौबत आ जाती है, खासकर जो लेडीज यंग हैं उनको यंग एज में अगर डायबिटीज हो जाता है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, आपके बॉडी में अगर कुछ स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, अचानक बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो रही है, ये भी एक सिम्टम होता है, क्यों? हमारे जो स्किन होती है उसको भी ब्लड सप्लाई होता है। जब आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा होता है तो नसें कहीं की भी अगर डैमेज हो रही है, चाहे वो ब्रेन की हो रही है तो स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी की हो रही है तो किडनी खराब होने लगेगा, और आपकी जो खून होता है उसमें WBC होता है जो लड़ने का काम करते हैं इन्फेक्शन की वजह से। आपके स्किन तक जब अच्छे से न्यूट्रिशन, खाना नहीं पहुंच पाता है, आपकी स्किन में इचिंग होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। अल्जाइमर्स में आपने देखा होगा याददाश्त चली जाती है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्रेन है और यहाँ पे अल्जाइमर की प्रॉब्लम देखी जा रही है, मतलब याददाश्त कम होने लगती है, और कहते हैं 88% लोग ऐसे हैं जिनके अल्जाइमर की प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई, याददाश्त जाने की प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई क्योंकि उनको डायबिटीज के सिम्टम थे। मतलब डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे जो रिजल्ट है वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। अगर आपको डायबिटीज समझना है तो आपको ABC डायबिटीज का समझना पड़ेगा। मतलब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों में, लाखों लोगों में हर साल हार्ट डिजीज होता है, दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक होना, बहुत सारे लोगों में आजकल स्ट्रोक का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ, डेथ हो गई या पैरालिसिस आ गया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखी जाती है। आपको पता है सबसे बड़ा रीजन उसका क्या होता है? डायबिटीज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम और ज्यादा देखी जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। तो डायबिटीज अगर आपको अच्छा रखना है, अगर आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है तो 3 चीजें याद रखनी होगी, ABC। ए का मतलब आपका HbA1c का रिपोर्ट नॉर्मल होना चाहिए, बी का मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, तीसरा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर आपने ABC पे ध्यान दिया तो अपने डायबिटीज को ओवरऑल अच्छा रख सकते हैं। बात करें, बोला जाता है 2030 में, WHO का बोला है कि 2030 में जो सातवां बड़ा कारण होगा डेथ का वो डायबिटीज को बोला जाएगा। 2030 में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट होने वाले हैं और हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है। और एक चीज आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे, आज जितने भी लोग प्री डायबिटिक हैं, मतलब जिनका शुगर बॉर्डर लाइन पे है, आगे चल के डायबिटीज के चांसेस हैं, उनमें से 15-30% लोगों को अगले 4-5 सालों में डायबिटीज टाइप 2 होने के 100% चांसेस है। आपको पता है इंडिया में 35% ऐसे भी लोग हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे आपका बॉडी आपको कुछ सिम्टम भी नहीं दिखाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक चीज की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, 99.9% लोगों ने HbA1c का नाम MI-LSL में आने के बाद ही सुना है। तो ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? एक होता है फास्टिंग,
एक होता है पीपी। फास्टिंग का मतलब रात में 8 बजे खाना खाया, अगले दिन 10 बजे 8 बजे शुगर टेस्ट किया, जब मैं 10 से 12 घंटे भूखा था मेरे खून में शुगर का लेवल क्या था, ये हम सबको पता है। पीपी का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमारा शुगर लेवल क्या था। पीपी और फास्टिंग बहुत सारे लोग जो इंसुलिन पे हैं वो तो रोज ही करते हैं, लेकिन ये HbA1c क्या है? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है आपका हीमोग्लोबिन, और ये जो पीली पीली चीज इस पे चिपकी हुई है ये है शुगर। मतलब अगर कोई आपसे पूछे HbA1c का मतलब क्या है तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन पे चिपका हुआ शुगर, इसको कहते हैं HbA1c, मेडिकल भाषा में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब एक चीज याद रखिएगा, जितना आपका HbA1c बढ़ता है उतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको फास्टिंग एंड पीपी कुछ लोग रोज भी करते हैं, कुछ लोग हर महीने भी करते हैं, HbA1c का टेस्ट आपको हमेशा 4 महीने के बाद ही करना है। कोई बोले क्यों 4 महीने के बाद करना है, आप उनको बताइए हीमोग्लोबिन पे चिपका हुआ शुगर, इसको कहते हैं HbA1c। और हीमोग्लोबिन की जो एज होती है, उम्र होती है, वो 120 दिनों की लगभग होती है। 120 दिन के बाद पुराना मरेगा, नया हीमोग्लोबिन होगा, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना HbA1c आपका कंट्रोल हुआ है या कम हुआ है। तो ये चीज इसमें, यहाँ पे एक पॉइंट ये चीज याद रखिएगा। बात करें, दिस इज द शुगर चार्ट जो आपका बताता है कि अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आपका जो शुगर है फास्टिंग 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, और खाना खाने के बाद 140 के अंदर होना चाहिए। अगर आप अर्ली डायबिटीज है, मतलब अभी नया नया पता चला है कि डायबिटीज है, तो मिनिमम आपका 101 से लेकर 126 के बीच में आपका ये होना चाहिए, और खाना खाने के बाद जो है आपका 200 के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत सालों से डायबिटीज है तो आपका जो फास्टिंग है वो 126 के आसपास होना चाहिए, और आपका जो पीपी है वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब छोटी ये सब चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी। दूसरी चीज, HbA1c का जो ये चार्ट है ना, ये आपके पास लिखा होना चाहिए। अगर किसी का HbA1c 4.5 से 5.7 के बीच में, एक्सेलेंट कंट्रोल, सब ठीक है, 5.7 से 6.5 के बीच में, आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आगे डायबिटीज के चांसेस हो सकते हैं, 6.5 के ऊपर है, आपको डायबिटीज हो चुका है और 8 के ऊपर है, तो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अभी हम बात करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी को डाइबालाइफ देते हैं, इस पॉइंट पे जरूर बात करिए, उनको पहले ही बता दीजिए 1% अगर डाइबालाइफ 1% अगर आपका HbA1c कम होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, डायबिटीज हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, नसों डैमेज होने के चांसेस होते हैं, किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका डाइबालाइफ लेने के बाद 1% भी HbA1c कम होता है, आंखें खराब होने के कारण और जो आपकी नसें डैमेज हो जाती हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस में 25% की गिरावट हो जाती है, मोतियाबिंद होने के 19% चांसेस उधर ही कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने के 16% चांसेस कम हो जाते हैं, और जो डेथ हो जाती है या पैर काटने पड़ जाते हैं उसके 43% चांसेस कम होते हैं, जो अगर 1% HbA1c भी कम होता है तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपका प्रोडक्ट 2 या 3% कम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले दिन ही लोगों को ये वाला पॉइंट उनको जरूर बताइए। बात करें मार्केट में इसका क्या सलूशन है, मार्केट में डायबिटीज की दवाइयां भरी पड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी दवाइयां जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। ये कुछ साल पहले 2016 का ये न्यूज़पेपर कटिंग है, उसमें बोला गया कि बहुत सारी ऐसी FDC कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां, मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां डायबिटिक पेशेंट की बैन कर गई। बहुत सारे लोग वो शॉक थे कि मैं तो इतने साल से ही डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ, अभी जाकर क्यों बैन हो गया। लेकिन रिसर्च में पाया गया कि ये दवाइयां जब बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी एंटी डायबिटिक दवाइयों को 2018 में फिर से बैन किया गया, क्योंकि लंबे समय यूज करने पर उनके साइड इफेक्ट्स दिख रहे थे। कहते हैं डायबिटीज मेडिकेशन रिस्कियर देन यू थिंक, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ मार्केट में डायबिटीज की दवाइयां हैं। कुछ डायबिटीज की दवाइयां आप जब लंबे समय तक लेते हैं, आपके पैनक्रियाटिक कैंसर, मतलब पैनक्रियाज में ही कैंसर क्रिएट कर देता है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम पे, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से मर रहे हैं, अगर इसके लिए हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो नेचुरल हो, सेफ हो और काम करे और आपके डायबिटीज को मैनेज करने में नेचुरल तरीके से हेल्प करे, तो हमारी कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम रखा डाइबालाइफ।
डाइबा लाइफ क्यों खास है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए. आपको मैं बता दूं, जो ये हमारा ये नया अपडेटेड डाइबा लाइफ जो है, इसमें बहुत सारी नई चीजें डाली गई हैं, और ये जो डाइबा लाइफ है वो पुराने डाइबा लाइफ से और भी एडवांस करके लेकर आया गया है. बात करें डाइबा लाइफ एक्चुअल में क्या है, ये एक रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला पे बेस्ड है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन इसमें डाला गया है. स्टेबलाइज्ड एलिसिन को समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं. लेसन हमारे डब्बे पे भी इसकी फोटो है, हम सबको पता है इसमें लेसन से कुछ चीज निकालकर डाली गई है. लेकिन ये जो गार्लिक है लेसन, ये होता क्या है, ये हजारों सालों से खाने में यूज हो रहा है, खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन हजारों सालों से इसको मेडिसिन में भी यूज किया जा रहा है, जो बहुत सारी दवाइयों और बीमारियों और कंडीशन पे काम करता है. लेकिन ये एलिसिन होता क्या है, जैसे आप ये लेसन की एक क्लोव देख रहे हैं, कली देख रहे हैं, इसके एक कोने पे होता है एलिनिन, दूसरे कोने पे होता है एलिनेस. जैसे ही आप लहसुन को काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, इसका पेस्ट बनाते हैं, इन दोनों में एक रिएक्शन होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और तब बनता है एलिसिन. अब ये एलिसिन जैसे बॉडी में बनता है, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. बोला जाता है ये करता क्या है, जैसे आपके खून में, हम सबको पता है हमारे खून में लाल रक्त कण आरबीसी होता है, और आपने क्या किया, सुबह उठा, कच्चा लहसुन खाया, कच्चा लहसुन पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, और जैसे वो एलिसिन आपके खून तक पहुंचता है, आरबीसी जो लाल रक्त कण है वो उससे रिएक्ट करता है, वो उसको प्रोसेस करता है, और एक चीज बनता है जिसकी आप फोटो नीचे देख रहे हैं, उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं. ये एक ऐसी चीज है जो एक मैसेंजर का काम करती है और आपकी नसों को रिलैक्स कर देती है, आपके खून अच्छे से आपके नसों में जाने लगते हैं, और ये आगे चलकर हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां होने से हमें बचाती है. तो आज बहुत सारे लोग हैं जो कच्चा लहसुन खाते हैं, लेकिन कच्चा लहसुन हमें ये सारे बेनिफिट क्यों नहीं दे पाता, उसका भी एक कारण है. कच्चा लहसुन का अगर आपको बेनिफिट खाना है तो आपको अपने फ्रेश स्टेट में खाना पड़ेगा. मतलब ये नहीं कि आज लहसुन को अच्छे से आप छीला और उसको पेस्ट बना के फ्रिज में रख दिया और रोज हमने उस पेस्ट को निकालकर खाया, ये आपका रिजल्ट नहीं देगा. क्यों, जब हम एलिनिन और एलिनेज जब रिएक्ट करके एलिसिन बनता है, वो एक घंटे के अंदर ही खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और उसकी स्मेल बहुत खराब होती है. बहुत देर तक खाया या खाते हैं तो मुंह से बहुत ही अजीब सी बदबू आती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये जो एलिसिन बनता है, आपने कच्चा लहसुन 4-5 खाया, बॉडी में एलिसिन बना, ये बहुत अनस्टेबल होता है, जैसे बॉडी में जाता है बहुत कम देर तक जिंदा रहता है, और अलग अलग कंपाउंड में तुरंत ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब जिस काम के लिए जाता है वो अपना पूरा काम नहीं कर पाता है. इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से लेकर आए, क्योंकि कच्चे लहसुन की कुछ मतलब लिमिटेशंस हो जाती है. जैसे अब कुछ लोग आपसे ये भी कह सकते हैं, अच्छा इसमें लहसुन है तो मैं लहसुन ही ना खा लूं. अगर वो लहसुन खाते अच्छी मात्रा में, 4-5 खाते, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो बॉडी में हीट क्रिएट करता है, 4-5 लहसुन खाया तो पेट का जो एसिड होता है वो उसको खराब कर देता है. आप सबको पता है हमारी जो छोटी आंत है उसमें न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं, तो लहसुन का जो एलिसिन होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. आपकी आंतों की जो नसें होती हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन की नसें होती हैं, वो उसको डैमेज कर देती है, जो परत होती है वो डैमेज कर देती है, बॉडी का पीएच लेवल खराब कर देता है. और बहुत आप जब लहसुन खाते हैं तो मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, जिसकी वजह से कुछ लोग अवॉइड करते हैं. बात करें हमारी कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाए. इसीलिए हमारी कंपनी ने क्या किया, ये जो एलिसिन बनता है इसको एक पेटेंटेड फॉर्मूले से यूज करके इस एलिसिन को स्टेबलाइज एलिसिन हमने इस प्रोडक्ट में यूज किया है. सबसे अच्छी बात क्या है, ये 100% स्टेबलाइज एलिसिन है और ये पेटेंटेड फॉर्मूला है. आज तक इंडिया में कभी किसी कंपनी ने अपने किसी भी प्रोडक्ट में स्टेबलाइज एलिसिन का यूज नहीं किया है. तो एक्सक्लूसिवली ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी जो कंपनी है MI Lifestyle, तो वो अपने ऑन एंड ऑन के डाइबा लाइफ में लेकर आई है. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं. आज हम बात करते हैं स्टेबलाइज एलिसिन के बारे में. स्टेबलाइज एलिसिन एक पेटेंटेड फॉर्मूला से बनाया जाता है, जहां पे उसको प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, और कंप्लीटली स्टेबल होता है. मतलब जब आपकी बॉडी में जाएगा तो उसको कोई चीज डैमेज नहीं कर पाएगी. पहली बार हिस्ट्री में ऐसा कोई स्टेबलाइज एलिसिन यूज किया गया है. आप ये कह सकते हैं
एलिसन जो है वो लेसन नहीं है, वो गार्लिक नहीं है, लेकिन एक लेसन जो भी काम कर सकता है वो सारे काम एलिसन करता है और वो बहुत ही एक्टिव फॉर्म में होता है और ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये जो होता है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, स्टेबलाइज एलिसन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, टाइप 1 के पेशेंट हो टाइप 2 के पेशेंट हो दोनों पे काम करता है, HbA1c को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब आप समझ रहे, और ब्लड प्रेशर पे भी काम करता है। मैंने पहले ही बताया डायबिटीज को अच्छा रखना है ABC तीनों पे काम करना पड़ेगा और ये स्टेबलाइज तीनों पे काम करता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आज इस जमाने में हमें स्टेबलाइज एलिसिन लेना क्यों जरूरी है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इस पे ध्यान दीजिएगा, वो क्या है। आज हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये एक ऐसी दवाइयां होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करती है, लेकिन जब हमने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने लगते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनपे वो कोई काम नहीं करता, तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सुपर बग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेन के बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाते हैं जिसका कोई भी एंटीबायोटिक कुछ कर ही नहीं सकता है। इस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है और अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे हमला करता है तो बॉडी जो होती है वो कोई भी एंटीबायोटिक खाने पे हेल्प नहीं करता है। स्टेबलाइज एलिसिन जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और MRSA जो एक ऐसा सुपर बग माना जाता है जिसको मेथिसिलिन अगर कोई एंटीबायोटिक है तो उस पे काम नहीं करता, तो स्टेबलाइज एलिसिन एक नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एलिसिन जो होता है ये हल्का एसिडिक होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एलिसिन का, ये हल्का एसिडिक होता है और जब पेट में जाता है, पेट में भी एसिड होता है तो उसको वो एनवायरमेंट जो है, वातावरण जो है वो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से एलिसिन आपका बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। इसमें हमने दालचीनी भी डाली है, दालचीनी जो होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कम करता ही है, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें एक नहीं बहुत सारी चीजें डाली गई है। दूसरी चीज अल्फा लिपोइक एसिड, ये भी हमने प्लांट से निकाला है, ब्रोकली से, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्रोकली एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है और जिन डायबिटिक पेशेंट को आगे चलकर नसों में डैमेज होने के चांसेस होते हैं, नस डैमेज हो जाते हैं, हाथ पैर नम हो जाते हैं, उस केस में अल्फा लिपोइक एसिड काम करता है। पालक से हमने क्रोमियम पिकोलेट निकाला है, डायबिटिक पेशेंट में क्रोमियम की कमी होती है, शरीर शुगर नहीं ले पाता, ग्लूकोज नहीं ले पाता, तो उसमें मदद करता है। गुड़ मार, गुड़ को मारने का काम करता है। हमने डायबिटिक पेशेंट को PP फास्टिंग HbA1c में तीनों में जब गुड़मार दिया तो तीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, तो गुड़मार जो है वो भी आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये सब आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। नीम का डायबिटिक पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट को जो हमने नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट दिया तो उनके शुगर लेवल में बहुत अच्छा कमी देखा गया और मार्केट में जब मेटफॉर्मिन उन पेशेंट ने लिया तो जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही लगभग आपका नीम लीफ एक्सट्रैक्ट भी काम करता है, बट इन अ नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से आपके शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। रेटिनोपैथी की जो प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी जाने की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी जो नीम है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ऐसे केसेस में आपकी आंखों की रोशनी जाने की जो चांसेस होते हैं उससे भी हमें प्रिवेंट करने में मदद करता है। पुराने जमाने में देखा होगा खाने के बाद लोग सुपारी खाते थे, क्यों, सुपारी आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, उसको सिग्नल देता है कि आप इंसुलिन बनाओ, उसको हेल्प करता है इंसुलिन बनाने में, तो अरेका नट भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। करेला डायबिटिक पेशेंट का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, करेला जो है बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट इसको लेते हैं, क्यों, करेला जो है वो भी आपके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने में। इसीलिए अगर बात करें हमने क्या किया, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को जब हमने कोई दवा नहीं दी तो उनका शुगर लेवल बस 6% कम हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट को जो हमने करेले का एक्सट्रैक्ट दिया तो उनका ब्लड शुगर लेवल 29% कम हुआ। मतलब क्या है कहने का, करेले के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो वेजिटेबल इंसुलिन जैसा काम करती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नई डिस्कवरी है जो आज डायबिटिक के सेक्टर में बहुत बड़ा काम इस पे आगे चल के भी होने वाला है। और करेला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, मतलब
हमने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं पहली बार, सारे इंग्रेडिएंट का लैब स्टडीज भी किया गया है और इंसानों पे भी स्टडी किया गया है, मतलब हमने लैब में चूहों पे भी रिसर्च किए हैं और इंसानों पे भी रिसर्च किया गया है। तो क्या देखा गया है, जैसे ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है, HbA1c को भी कम करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली उसको भी कम करता है, मतलब ये प्रोडक्ट एक नहीं बहुत सारे तरीके से हमें मदद करता है, हेल्प करता है डायबिटीज में। किसको देना है, जो भी टाइप 1 वाले पेशेंट है वो ले सकते हैं, टाइप 2 वाले पेशेंट है वो भी ले सकते हैं, कोई प्री डायबिटिक है मतलब डायबिटीज होने के चांसेस हैं, बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुका है, उनको दे सकते हैं। और जिनको भी रिस्क है डायबिटीज का, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, फैमिली में है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, उन सबको ले सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, वो क्या है, Anyone wants to live healthy, जो भी अच्छा रहना चाहता है ना, सब लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट को ही देना है। 7 साल के ऊपर के हर एक, 7 साल का ऊपर का कोई बच्चा है, डायबिटीज है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। डोजेस क्या होगा, एक कैप्सूल लेना है प्री डायबिटिक वालों को, और जिनको भी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है और HbA1c 10 या 12 से नीचे है, एक कैप्सूल लीजिए। अगर HbA1c 10 या 12 के ऊपर गया है 2 कैप्सूल लीजिए। लेकिन अगर आपने HbA1c टेस्ट नहीं करवाया है, शुगर टेस्ट करवाया है, तो अगर आपका शुगर लेवल 300 के ऊपर जा रहा है तो जाकर आपको 2 कैप्सूल देना है, बाकी हर केस में आप एक भी लेंगे तो चलेगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बात करें अब ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के, जो बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट है, अगर कोई आपको बोलता है कि अरे ये तो लेसन का इसमें चीज है, तो ये मार्केट में भी तो और भी लेसन वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। सबसे पहली बात, ये मार्केट के जो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें गार्लिक डाला गया है उन सबसे बहुत ही डिफरेंट है। जैसा हम सबको पता है एलिसिन बहुत अनस्टेबल होता है, आपने अगर कच्चा लहसुन खाया, एलिसिन गया पेट में तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, लहसुन की महक को हटाने के लिए, उसकी बदबू को हटाने के लिए उसको एजिंग करना स्टार्ट करते हैं, बहुत दिनों तक उसको रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन प्रोडक्ट में एलिसिन की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है और वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाइयों के जो पिल्स होती हैं उस पे लहसुन का जो कोट लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो लहसुन बॉडी में जाता है तो उसमें से सफिशिएंट मात्रा में एलिसिन नहीं बन पाता है और वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसका मतलब अगर आप फ्रेश लहसुन भी खा रहे हैं और आप मार्केट का भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खा रहे जिसमें लहसुन है, तो शायद आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमारी कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट में 100% स्टेबलाइज एलिसिन डाला है और ये पहली बार इंडिया में कोई कंपनी लेकर आई है, तो वो MI लाइफस्टाइल है। तो डाइबा लाइफ कोई नॉर्मल गार्लिक का प्रोडक्ट नहीं है, बट ये जितने भी मार्केट के गार्लिक के प्रोडक्ट है सबको ऑब्सोलीट करता है, सबको मार्केट से हटाता है। और ये बस गार्लिक का प्रोडक्ट नहीं, उससे बहुत ज्यादा बनाया गया, क्योंकि आपको पता है हमारे डाइबा लाइफ को और भी एडवांस करके लाया गया है। इसीलिए अगर बात करें डाइबा लाइफ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन जो बॉडी बना रहा है, कभी कभी अपना बॉडी इंसुलिन नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, उसको यूज नहीं कर पाता है, तो उसको यूज करने में रेजिस्टेंस को कम करता है। आपके बीटा सेल, आपका जो पेंक्रियाज है उसमें बीटा सेल होते हैं, उसको मजबूत करता है ताकि ज्यादा एलिसिन आपका इंसुलिन निकले। आपको होलिस्टिक तरीके से हेल्प करता है, जो भी डायबिटीज के सिम्टम्स होने वाले, कॉम्प्लिकेशंस आने वाले, उन सबसे प्रोटेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर पे भी काम करता है। मतलब एक नेचुरल फॉर्मूला है, इसका कभी कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, डाइबा लाइन जैसा मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में बोला, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमाया और हो गया। माय डियर फ्रेंड, हम मार्केट की कंपनी नहीं है जो बोलते हैं कि कुछ भी मत करो, ये प्रोडक्ट ले लो शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ले लो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारी कंपनी हमेशा कहती है अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ एक अच्छा खान पान रखते हैं, एक्सरसाइज या योगा भी अपने लाइफ में एडमिट करते हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ पे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, और अगर आप आयुर्वेदिक सोल्यूशन जैसा ऑन एंड ऑन का डाइबा लाइफ अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरल तरीके से आपने अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। अब उसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, यूनिक क्या है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें 100% पेटेंट आपको स्टेबलाइज एलिसिन डाला गया है। पहला जो हमारा डाइबा लाइफ था वो 210 mg का था, ये डाइबा लाइफ 510 mg का है, उसको और एडवांस करके लाया गया है। प्योर 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स है,
एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियां, 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट है। डायबिटीज को स्टेबलाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है और पूरे बॉडी पे ये काम करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अगर आप डाइवा लाइफ लेते हैं तो सर्दी खांसी जो है उससे भी बचाने में मदद करता है। क्यों? बॉडी में किसी इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद करता है। क्यों? स्टेबलाइज डायलिसिन दुनिया पे सबसे सेफ एंटीबायोटिक माना गया है, मतलब इस पूरे ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए सबसे मजबूत एंटीबायोटिक है वो स्टेबलाइज डायलिसिन को बोला जाता है। ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन डायबिटीज सप्लीमेंट है, मतलब इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डाइवा लाइफ देते हैं आपको अपनी कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं करना है, उसके साथ ही आप लीजिए, बट एक घंटे का गैप जरूर रखिए और 7 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। 1 घंटे का गैप रखना एलोपैथी और डाइवा लाइफ के बीच में, हर 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद पीपीएन फास्टिंग और एचबी1सी तीनों का टेस्ट करवाना है, रिपोर्ट लेकर अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या आपको कम करना है, कि जो भी मेडिसिन है वो आपका कम करवाएंगे, आपको खुद से कम नहीं करना है। 300 के ऊपर शुगर लेवल है तो जाकर आपको 2 कैप्सूल लेना है और साथ में एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। तो ये हमारा डाइवा लाइफ था। अगर आपको डाइवा लाइफ इज फॉर एवरीवन, सब लोग ले सकते हैं, और डाइवा लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप divalife@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। जितनी जल्दी होगा आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी। बात करें, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने स्टडी किया, बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट हमने सारे, ऑलमोस्ट क्या, सारे प्रोडक्ट्स हमने कवर किए हैं। आज हम डाइवा लाइफ को फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। जितने लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज 3rd कैटेगरी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए मत जाइए, सीरियस बहुत ज्यादा पेशेंट है उस कैटेगरी में हमें नहीं जाना है, हमें ए एंड बी पे ही काम करना है। और जो भी लोगों को डायबिटीज है आप एज अ नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इसको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट से मत खरीदिए, वो फेक हो सकते हैं, गारंटी हम नहीं लेते हैं और एक्सपायर्ड भी हो सकते हैं। जब भी प्रोडक्ट लेना है इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही आपको ये प्रोडक्ट लेना है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे, तो जिसको भी डाइवा लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चैट के सेक्शन में जाकर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने दिन तक लेना है, आप 4 महीने लीजिए, एक बार अपना शुगर टेस्ट करवाइए, अगर एचबीएनसी नॉर्मल है तो आप ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको वही बोला, अगर आप नॉर्मल लहसुन खाते हैं तो 3-4 खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा गर्मी करने लगता है, हीट क्रिएट करने लगता है। बट अगर आप डाइवा लाइफ खाते हैं उसमें एक कैप्सूल 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट देता है, लेकिन आपको हीट नहीं करता है, क्योंकि हमने बस उसमें से आलसिन निकाला है। 273 शुगर है, आप 1-2 भी लेंगे तो चलेगा, 2 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HbA1c का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। फूड कंट्रोल में आप कर सकते हैं ज्यादा, कोई भी ऐसी ग्लूटेन वाली चीज थोड़ा सा अवॉइड करिए। ग्लूटेन मतलब ज्यादा, जैसे मैदा हो गया, रोटी जो है गेहूं के बदले थोड़ी बाजरा, ये सब रोटी खाइए। दूध का कंजप्शन थोड़ा सा कम करिए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और प्लस एक अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। यस, टाइप 1 टाइप 2 दोनों में आप दे सकते हैं। मिनिमम 4 महीने लेना है, 4 महीने के बाद टेस्ट करवाइए, अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो उस हिसाब से अपना डोजेस आप कम कर सकते हैं, डॉक्टर आपकी मेडिसिन को कम करवाएंगे, आपको नहीं करना है। बच्चों को कैसे देना है, 7 साल का बच्चा है आप उसको कैप्सूल दे सकते हैं, कैप्सूल नहीं कर पा रहे तो आप उनको खोलकर तुरंत बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक उसको नहीं खुला रखना है। 50 साल के ऊपर कोई पर्सन है आप उनको भी दे सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको प्रिकॉशन के मेजर में लेना है तो भी आप ले सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन विथ डाइवा लाइफ, देखिए डाइवा लाइफ खुद में ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके साथ आप एलिमेंट्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो साथ में लिवोगेन भी ले सकते हैं, डेली टॉक्स भी ले सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 मतलब टाइप 1 जो होता है जो बचपन में हो जाता है, जहां पे हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा। टाइप 2 का मतलब जो एक उम्र के बाद होता है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी उसको अच्छे से नहीं ले पा रहा, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, जिसमें दवाइयों से काम चल जाता है। मेल्ट फैट के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचबीएनसी 10 है तो प्लीज 2 कैप्सूल लीजिए, और डाइवा लाइफ डेली टॉक्स के साथ भी ले सकते हैं, स्पूर्णा गोल्ड के साथ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट एक थोड़ा सा 10-15 मिनट का गैप रखा करिए। लिव अगेन डाइवा लाइफ के साथ दे सकते हैं, क्योंकि लिवर हमारा शुगर कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो इट माइट बी अ रीजन कि लिवर में इश्यूज है, तो आप साथ में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 3-4 महीने लेना है, रेगुलर यूज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें सारी नेचुरल चीजें हैं, बट मैं वैसे भी कहती हूँ 4-5 महीने के बाद थोड़ा सा आप गैप कर सकते हैं, 1 महीने का गैप कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है और आप बहुत ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक एंड स्मोक को थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो भगवान भी नहीं बचा सकता।
कोलेस्ट्रॉल अगर है तो देखिए इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें स्टेबलाइज आलसीन भी है, इसमें सिनेमन भी, दालचीनी भी है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, तो आप जब इसको लेते हैं तो आपके ए बी सी तीनों का ख्याल रखने में मदद करता है। फाइट स्ट्रेस लिवोगेन को साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एलिमेंट्स का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको वही बताया इसमें 36 क्लोव्स का बेनिफिट है। आप ये गार्लिक का जो हम एलिसिन निकालते हैं वो आपको हीट नहीं करता, लेकिन आप 36 लहसुन खाएंगे तो डेफिनेटली आपको हीट करेगा, इसीलिए हमने उसका एलिसिन निकाला है जो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। नहीं, इसको हनी के साथ मिलाकर बच्चों को नहीं देना है, प्लीज ये चीज याद रखिएगा। बस मैंने बिलो 37 में एक बार बोला था, शुगर 200 है तो आप चाहे तो सुबह शाम ले सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, आप चाहे तो सुबह शाम ले सकते हैं। जेस्टेशनल स्टेज में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा करिए, उस केस में हमें भी नहीं देना है। न्यूट्रोलाइफ एंड प्रोटीन पाउडर के साथ क्या डाइबालाइफ ले सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा शुगर है तो न्यूट्रोलाइफ थोड़ा सा अवॉइड करिए, यस प्रोटीन पाउडर कैन बी गिवन, दे सकते हैं। एलोपैथी मेडिसिन भी टाइम पे लेना है, क्योंकि हम ऐसा किसी को नहीं बोल सकते कि एलोपैथी मेडिसिन बंद कर दो, उनकी क्या दवा चल रही है, कितने डोजेस की दवा चल रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की ट्रेनिंग हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर बिजनेस एंड प्रोडक्ट वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल नाउ।